नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर हम भारतीय संविधान के पार्ट वन कल जो सिलेबस के रूप में डिस्कस किया था आज से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम दो फेज में पढ़ेंगे। कंपनी के अधीन शासन जो 1773 से लेकर 1857 तक होगा, उसके बाद क्राउन शासन महारानी विक्टोरिया का जो 1858 से 1947 तक। जैसा कि हम जानते हैं भारत में शासन चलाने या राज चलाने की व्यवस्था वही भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था या संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था उस समय हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य चल रहा था। यह सभी संस्करण हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि 1949 को हमारा संविधान परिपूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ वह 1950 को लागू हुआ। इस सभी को बनने में जो स्टेप वाइज स्टेप पड़ेंगे जो भारतीय संवैधानिक विकास से पड़ेंगे। अंग्रेजों भारत में दो मुख्य उद्देश्य लेकर आए थे, नंबर एक व्यापार करना तथा दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। जैसा कि हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्षों का इसका व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था तथा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स था। फिर 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे तथा तीन अन्य न्यायाधीश लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड चिमस्टर थे। जैसा कि यहाँ पर बंगाल के जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, उसने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे से दोस्ती कर ली तथा उसने जिसे चाहा उस पर झूठे आरोप लगा देता था। वह अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगा। इसको देखकर तीन लोगों ने इसका विरोध किया। फिर उन तीन लोगों पर गवर्नर जनरल ने कुशासन के आरोप लगाकर उन्हें फांसी दी गई। 1784 में ही वे तीन व्यक्ति नंद कुमार, चेत सिंह, घसीटी बेगम को फांसी दी गई। फिर इन सभी की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट अधिनियम लाया गया, 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम। इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसमें 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों को इतनी पावर थी जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के डिसीजन को विरोध कर सकते थे। कंपनी से व्यापार व प्रशासन को पृथक किया गया। इसमें कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों एक दूसरे को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1793 का राजलेख अधिनियम, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश जो अफसर थे उनको सैलरी ब्रिटेन या लंदन से दी जा रही थी, लेकिन 1793 के राजलेख अधिनियम के तहत इन्हें वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। 21 अप्रैल 1793 को आईसीएस की स्थापना हुई, जिसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर 1873 का अधिनियम, 1873 के अधिनियम के तहत, इसके तहत भारत में ईसाई कमिश्नरियों का आगमन हुआ। जो अपने प्रचार प्रसार के लिए आए। इसी के तहत शिक्षा पद्धति के लिए भारतीय राजस्व से प्रत्येक साल में 1,00,000 रुपए दे जाने की घोषणा की। 1873 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत में ब्रिटिशियों के दो व्यापार बने रहे, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार। 1833 का चार्टर अधिनियम आया, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग अब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1833 में भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी कर दी गई। इससे पहले भारत की आधिकारिक भाषा पारसियन थी। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया, इसके तहत कंपनी में 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए, जो कि 24 थे अब 18 शेष रह गए। नागरिक सेवाओं के लिए 1853 से ही लिखित परीक्षा दी जाने लगी थी। इससे पहले
लिखित परीक्षा नहीं थी, यह परीक्षा लंदन में ली जाती थी। ब्रिटिश लोग, अंग्रेज अधिकारी लोग चाहते नहीं थे कि भारतीय लोग आईएएस अधिकारी बने। 1853 से 1922 तक यह परीक्षा लंदन में कराई जाती थी। पहली बार भारत में 1923 में की गई, जो कि इलाहाबाद में की गई। आईएएस की परीक्षा को सफल करने वाले पहले व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। प्रथम आईएएस अधिकारी भारतीय अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। फिर इसके बाद 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन इसे समय से पहले ही 10 मई 1857 को शुरू कर दिया, जिससे पूरे भारत में एक साथ यह विद्रोह नहीं हुआ। इसी विद्रोह के प्रमुख नेता मुगल साम्राज्य के बहादुर शाह जफरदित्य को बना दिया गया था। फिर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफरदित्य को रंगून जेल में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का शासन चला। उसी से 1858 से 1947 तक क्राउन शासन अधिनियम पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।